तो कैसे वाले, क्या हालचाल? तो वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ थिंग्स यू शुड नो व्हाइल प्लेइंग ग्रैंड आरपी में। तो भी देखो, आज के कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो तुमको पहले से पता रहेंगे, बट उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में नहीं पता रहेगा। सीधे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला चीज जो मुझे लगता है वो ये है कि भाई आप पीओवी जो है वो 48 आवर्स के लिए सेव करके रखते हो। बहुत लोग अग्री करेंगे, हाँ भाई 48 आवर्स के लिए ही सेव करना चाहिए पीओवी, बट नहीं। मेरे हिसाब से आप मिनिमम पीओवी 3 दिन के लिए सेव करो, विच इज 48 आवर्स प्लस 24 आवर्स मोर तो बैकअप के लिए, ठीक है। बहुत लोग उसको 48 आवर्स के लिए सेव करते हैं एंड देन कभी कभार वो लोग अगले दिन डालते हैं, तो वो लोग भाई एक दिन डाला नहीं है तो ये लोग डिलीट कर दोगे, बट नहीं। 48 आवर्स के बाद भी आप मोर 24 आवर्स उसको सेव करके रखना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग अगले दिन डालते हैं रात को, विच इज विद इन 48 आवर्स आप उसको डिलीट कर दोगे तो भाई आपको प्रॉब्लम होगा एंड आप उसको अपलोड नहीं कर पाओगे। ये होता है इवेंट रूल 1.7, इसके लिए आपको वार्निंग पढ़ना या फिर बैन, मैक्सिमम बैन होने के चांस है, विच इज 30 डेज बैन। तो ये एक चीज ध्यान रखना। सेकेंड चीज, अभी एयरक्राफ्ट कैरियर का मैंने पहले भी कहा था, बट इसको मैं और एक अच्छी तरीके से फ्रेम कर रहा हूँ। एयरक्राफ्ट कैरियर में लियोस जो है वो आपको पानी में मार नहीं सकते, बट सिमिलरली फैमिलीज जो अटैक करती है एयरक्राफ्ट कैरियर में, वो एक दूसरे को भी नहीं मार सकते। एंड इवन एयरक्राफ्ट कैरियर में इन लोग से पहले, मतलब जो लियोज है उनके पहले भी वो लोग आके कैंप नहीं कर सकते, एम्बुश नहीं कर सकते। ये एक चीज, अगर एम्बुश करके पकड़े गए तो उसका वीडियो बनाओ, फोरम पे डाल दो, फोरम पे रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। बट मैं प्रेफर करूंगा मत क्या करो, फोरम सिर्फ तभी यूज करना कोई चीटर रहेगा या आपके अगेंस्ट भी चिट्स यूज किए गए हैं तभी यूज करना, ठीक है। एक और एक चीज, कितने भी इवेंट्स हो, चाहे वो कौन से भी इवेंट्स हो, चाहे वो वेपन फैक्ट्री हो, चाहे वो ACC हो, चाहे वो कौन से भी हो, ठीक है, ACC एक्सेप्शनल के साथ है, FZ एक्सेप्शनल के साथ है, उनको छोड़ के कौन से भी इवेंट, जो भी सर्कल इवेंट्स बनते हैं, हाँ चलो प्रेफरेबली जो भी सर्कल इवेंट्स बनते हैं उसमें कभी भी कार, पैराशूट या हेली से एंट्री नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे हेली से एंट्री करोगे तो वो बग अब्यूज में काउंट किया जाता है, एंड इसके लिए आपको बैन है अप टू परमानेंट। ये एक चीज याद रखना, बिकॉज बहुत लोग ये करते हैं एंड बहुत लोग इसके अंडर, तब देखो गलती करना पाप नहीं है, गलती करके पकड़े जाना पाप है। किसी ने पीओवी डाल दिया तो आप बैन होने के लिए रेडी रहो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक और एक चीज, वो आता है बैंक रॉबरी इवेंट। बैंक रॉबरी वही सर्टन डेज पे होता है, वो कब कब होता है वो मैंने मेंबर्स ओनली पे डाल के रखा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो बैंक रॉबरी का इवेंट होता है, इसमें आपको थर्ड टनल 3 में जाना रहता है हर बार। तो टनल 3 में क्या होता है, जैसे तुम एंट्री करते ही मर गए तो तुम उसका पीओवी बना के अपलोड कर सकते हो, एंड उसके लिए वो बंदे को वॉर्न पड़ेगा। अभी इसका रूल क्या है, अभी मैं आपको रूल पढ़ता हूँ। एट द बैंक रॉबरी इवेंट इट इज नॉट अलाउड टू किल, अटैक, शूट और रॉब व्हाइल अ पर्सन इज लोडिंग इंटीरियर। Just joined in tunnel 3 and instantly got killed while testers and player are still loading. अभी क्या होता है, कोई बंदा अगर जैसे spawn लेती तुम उसको मार नहीं सकते, आपको एक seconds के लिए रुकना पड़ेगा, 5 seconds या 4 seconds के लिए आपको रुकना पड़ेगा, फिर जाके आप उसको मार सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर texture load होता रहेगा तो आपके लिए उसको warning पड़ सकती है, ठीक है। लास्ट चीज जो मुझे लगती है वो आप सबको पता है, बट उसको क्लियर कर दिया जाए, वो आता है हॉस्टेज सिचुएशन। बहुत लोग को पता है हॉस्टेज सिचुएशन में सिविलियन को लेगा तो 100 के मिलता है, एलईओ को लेगा 200 के मिलता है, हाई कमांड को लेगा 300 के मिलता है, लीडर को लेगा तो 400 के मिलता है। बट इसमें जो दो ऐसी चीजें जो आपको पता नहीं, सबसे पहली चीज ये है कि सिर्फ आप दो ही हॉस्टेज को पकड़ सकते हो, ठीक है। एक के लिए आपको फ्री पैसेज मांगना है, एक के लिए आपको पैसे मांगना है, ठीक है। लीडर, एलाय का जो लीडर है वो भी सिटीजन के अंदर काउंट किया जाता है, ना ही लीडर्स के अंदर काउंट किया जाता है, बिकॉज वो एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का CEO है, ठीक है। अभी इस चीज में आप यू भी डिमांड नहीं दे सकते, एक के लिए आपको फ्री पैसेज, दूसरे आपको पैसा, बस यही डिमांड हो सकता है। इसके अलावा आप यू भी डिमांड नहीं दे सकते, जैसे कि मैं आपको हॉस्टेज छोड़ दूंगा आपको नाचना पड़ेगा, ये यू भी डिमांड होती है। इसके लिए आपको ऑग वार्निंग पड़ेगी, ऑग मतलब अनऑफिशियल जो फैमिली है उसकी, उसको वार्निंग पड़ेगी, या फिर ब्लड्स है या फिर कौन से गैंग मेंबर्स है उसको वार्निंग पड़ेगी पूरे ऑर्ग को, ठीक है। अभी एक नया रूल है जो चानुष ने ऐड किया था, वो था कि फ्री पैसेज में आप हेली मंगा सकते हो एनजी से। एनजी को बोलोगे आप हेली लेके आओ, हेली में बैठना है, हेली से फ्लाई करना एंड गायब, ठीक है, शू फ्री। ये एक तरीका है। बाकी दिस वॉज द 5 things। देखो इसमें बहुत चीज आपको पता रहेगी, बहुत चीज आपको नहीं पता रहेगी, जिसे आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैंने कही है, आपको पता चल गई रहेगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब करना, कंटेंट पसंद आ रहा है तो वही सब्सक्राइब करना। बाकी तुमको ऐसे और चीजें मैं मेंबरशिप पे डालता रहूंगा या फिर कम्युनिटी पे डालूंगा। बाकी ज्वाइन करना चैनल में, बहुत सारी चीजें क्रेजी स्टफ पड़े हुए चैनल पर रिलेटेड टू ग्रैंड आरपी। दूसरे गेम्स में ट्राई करने की सोचूंगा, कम्युनिटी पे मैं उसका पोस्ट डालूंगा, कम्युनिटी पे आप जाके चेकआउट करना कौन से दूसरे गेम को मैं खेलूं, ठीक है। बाकी तुमको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब करना। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टाटा बाय।